आज हम बनाएंगे वेज कटलेट। वेज कटलेट बनाने के लिए यहाँ पर उबला हुआ 4 आलू लिए हैं। सबसे पहले आलू को ग्रेट कर लेंगे। आलू को हम ग्रेट कर ले रहे हैं। यहाँ पर हम आलू को ग्रेट करके इस्तेमाल कर रहे हैं कटलेट में। आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं आलू को। सारा आलू ग्रेट कर लिए हैं। यहाँ पर हम एक गाजर लिए हैं, गाजर को भी ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो गाजर को छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। गाजर को भी ग्रेट कर लिए हैं। यहाँ पर हम 50 ग्राम पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पनीर ऑप्शनल है दोस्तों, पर पनीर डालने से कटलेट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पनीर को भी कद्दूकस कर लेते हैं। पनीर को भी ग्रेट कर लिए। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ एक प्याज, उबला हुआ हरा मटर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच ब्रेड क्रम्स, सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। दोस्तों कॉर्नफ्लोर की जगह आप मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स की जगह आप सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पसंद से आप कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं और स्किप कर सकते हैं। वेज कटलेट बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पर हम साबुत मटर डाले हैं। आप चाहे तो मटर को मैश करके डाल सकते हैं। देखिए आलू का मसाला तैयार हो गया है, इसको रख देते हैं साइड में। चलिए कटलेट का बैटर तैयार करते हैं। कटलेट का बैटर बनाने के लिए यहाँ पर 2 चम्मच हम मैदा लिए हैं, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पतला बैटर बनाकर हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। बैटर को हमें अच्छे से फेंट कर तैयार करना है, बैटर में गुठलियां न रहें। ये देखिए हमारा बैटर बन गया है, हमें इसी तरह का बैटर चाहिए। चलिए कटलेट बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हाथ पर लगाएंगे थोड़ा सा तेल, नींबू के साइज का कटलेट मसाला लेंगे। यहाँ पर हम ओवल शेप का कटलेट बना रहे हैं, अपने मनपसंद कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए एक कटलेट बना लिए हैं। एक तरह से सारा हम कटलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारा कटलेट बना लिया है। चलिए कटलेट को बैटर में डिप करते हैं। कटलेट को मैदा के बैटर में डिप करेंगे इस तरह से। अच्छे से बैटर में डिप कर दिए हैं कटलेट। अब हमें कटलेट को कोट करना है। यहाँ पर हम कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किए हैं। आप इसकी जगह बारीक वाला सेवई या सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से कोट कर दे रहे हैं कटलेट को। हल्के हाथ से इस तरह से दबा देंगे ताकि ब्रेड क्रम्स जो है कटलेट के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए हमारा एक कटलेट बन गया है। एक और आपको हम दिखाते हैं। कटलेट को बैटर में डीप करेंगे। डीप करने के बाद कटलेट को ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे।
अच्छे से कोट कर दिए हैं, हल्का सा दबा देंगे। दबाने से कटलेट के ऊपर ब्रेड क्रम अच्छे से कोट हो जाता है। ये देखिए, इसको भी बना लिए। इसी तरह से सारा कटलेट हम बनाकर तैयार कर लेंगे। वेज कटलेट बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो वेज कटलेट सुबह ही बनाकर रख लिए तो शाम को चाय के साथ फ्राई करके खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। एक बार आप जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए कटलेट को फ्राई करते हैं। कटलेट को फ्राई करने के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेल को गर्म कर लिए। तेल अच्छा गर्म है, हम एक एक करके कटलेट तेल में डाल देंगे इस तरह से। कटलेट डाल दिए हैं। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई पर ही रहेगा, लो फ्लेम पर हमें कटलेट को नहीं फ्राई करना है। दो मिनट तक कटलेट को फ्राई करने देंगे, इसके बाद हम चम्मच से पलटेंगे। कटलेट एक साइड से फ्राई हो गया, हम इसको पलट देते हैं गोल्डन ब्राउन कलर। यहाँ पर कटलेट को हम डीप फ्राई कर रहे हैं, आप चाहे तो कटलेट को स्लो फ्राई भी कर सकते हैं। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक कटलेट को हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों एक बात का आप ध्यान देना, कटलेट को हमेशा मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना, लो फ्लेम पर नहीं, नहीं तो कटलेट का मसाला जो है वो बाहर निकल सकता है। कटलेट अच्छे से फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, हम कटलेट को निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है कटलेट को, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए कटलेट को प्लेट में निकाल लिए हैं। इसी तरह से सारा कटलेट हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारा कटलेट फ्राई कर लिया है। चलिए कटलेट को सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। यहाँ पर हम टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रहे हैं, आप हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वेज कटलेट बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। दोस्तों एक बार आप ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी यह वेज कटलेट की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। हम आपको एक तोड़ कर दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा वेज कटलेट बनकर तैयार हुआ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। मेरी रेसिपी